नमस्कार प्यारे बच्चों, आदरणीय शिक्षक बंधुओं, आज की रसायन शास्त्र की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं रत्ना वाधवानी फिर से आपके साथ हूँ। कल हमने आयतनात्मक विश्लेषण देखा था। आयतनात्मक विश्लेषण में हमने देखा था कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि आयतनात्मक विश्लेषण जब हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ज्ञात आयतन का विलयन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया एक अज्ञात आयतन के विलयन के साथ कराते हैं। जो ज्ञात आयतन का विलयन होता है उसे हमने मानक विलयन कहा था और उसकी सहायता से हमने अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की थी। और इन दोनों की जब हमने क्रिया कराई थी तो जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई थी तो उसकी जो सूचना दी थी वो सूचक ने दी थी और जिस बिंदु पर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई थी उसे हमने अंतिम बिंदु कहा था। तो ये हमने जो है संक्षेप में सारे पद देख लिए थे अनुमापन के, कि अनुमापन वास्तव में होता क्या है। एक ज्ञात सांद्रता का विलयन लेना है, एक अज्ञात का लेना है, दोनों की रासायनिक क्रिया करानी है। सूचक भी हमने देखे थे कि सूचक या तो बाहर से डाले जाते हैं, जैसे 11वीं कक्षा में आपने अम्ल क्षार अनुमापन किया था तो बाहर से सूचक के रूप में आपने या तो फिनोक्टिलीन डाला था या आपने मिथाइल ऑरेंज डाला था। यदि क्षार सांद्र था तो आपने फिनोक्टिलीन डाला था और यदि अम्ल सांद्र था तो आपने मिथाइल ऑरेंज डाला था। और इस वर्ष कक्षा 12वीं में जो आप अनुमापन कर रहे हो वो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है, जिसमें हमने उदाहरण दिया था कि यहाँ पर एक ऑक्सीकारक लिया था, एक अपचायक लिया था। ऑक्सीकारक के रूप में हमने केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट लिया था और अपचायक के रूप में ऑक्सैलिक अम्ल लिया था और यहाँ पर हमने सूचक नहीं डाला था। सूचक यहाँ पर हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट जो है स्वयं सूचक का काम करता है। वहां पर हमने देखा था कि स्वयं सूचक क्या होते हैं। स्वयं सूचक जो अभिकारक हम ले उन्हीं अभिकारकों में से यदि कोई एक अभिकारक जो है सूचक का कार्य करने लगे तो उसे हम स्वयं सूचक कहते हैं और यह जो है रंग परिवर्तन द्वारा क्रिया की समाप्ति की सूचना देता है। इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने देखे थे कि अनुमापन के क्या क्या पद हो सकते हैं। तो अनुमापन के पदों में हमने देखा था पहला पद है मानक विलयन बनाना, क्योंकि यहाँ पर हम एक ज्ञात सांद्रता का विलयन देते हैं जिसे हम मानक विलयन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था आवश्यक उपकरणों का उपयोग, कि उपकरण क्या क्या लगते हैं, उनका हम कैसे उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अनुमापन कैसे किया जाता है और उसके बाद पाठ्यांकों का रिकॉर्ड रखना और गणना करना और गणना के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना। तो ये सब बातें हमने की थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक पद अनुमापन और द्विपद अनुमापन, इसको हमने थोड़ा संक्षेप में देखा था। आज हम उसे विस्तृत में देखेंगे कि एक पद अनुमापन और द्विपद अनुमापन क्या है। इतनी सब चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है या कुछ आपकी समस्या है तो आप जो है कॉल करके पूछ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एक पद अनुमापन की। एक पद अनुमापन में क्या होता है, दो विलयन दिए जाते हैं। एक विलयन दिया जाता है ज्ञात सांद्रता का जिसे हम मानक विलयन कहते हैं और दूसरा विलयन दिया जाता है अज्ञात सांद्रता का। और ज्ञात सांद्रता के विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता निकाली जाती है, यह कहलाता है एक पद अनुमापन। फिर हमने उपकरणों की बात की थी कि इसमें उपकरण कौन कौन से उपयोग में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया था कि हम कौन सा अनुमापन कर रहे हैं। चूंकि 12वीं कक्षा में आपका जो अनुमापन है वो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है, अर्थात रिडॉक्स अनुमापन है। रिडॉक्स अनुमापन में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन रिडॉक्स अनुमापन में हमने उदाहरण लिया था, जैसे हम करते हैं, आप या तो अनुमापन कर भी चुके होंगे या आप करोगे अभी अनुमापन, तो वहां पर आप दो विलयन देते हो। एक आपने लिया पोटेशियम परमैंगनेट का, दूसरा लिया ऑक्सैलिक अम्ल का। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का काम करता है और आपका ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो अपचायक का काम करता है। ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे और खुद अपचयित हो जाए,
और अपचायक वो होता है जो दूसरे को अपचयित करे और खुद ऑक्सीकृत हो जाए। तो यहाँ पर केमेनोफोर जो है ऑक्सैलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो केमेनोफोर को अपचयित करता है। इतना हमने देखा था, यहाँ पर हमने उदाहरण लिया था, जैसे उद्देश्य मैंने आपको बताया था, यदि आपको एन बाय टेन सांद्रता का ऑक्सैलिक अम्ल दिया है उसकी सहायता से आपको अज्ञात केमेनोफोर की सांद्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता आपको दे दी गई थी एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, इसकी सहायता से आपको निकालना था किसकी सांद्रता, अज्ञात केमेनोफोर की। यहाँ पर अज्ञात विलयन है आपका केमेनोफोर। उसके बाद हमने उपकरणों की बात की थी, तो उपकरणों में सबसे पहले हमने देखा था ब्यूरेट को। एक बार और देख लीजिए कि उपकरणों का उपयोग हम कैसे करते हैं। अब आप देखिए कि अनुमापन में जो आपके उपकरण आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्यूरेट में विलयन कैसे भरना है। देखिए आपको चित्र के द्वारा खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्यूरेट में विलयन कैसे भरा जाता है। ये देखिए आपका ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका है ब्यूरेट स्टैंड। इस ब्यूरेट स्टैंड में आपको मैंने बताया था ये चिकनी टाइल रखी रहती है, अधिकतर हम सफेद रंग की चिकनी टाइल लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं कॉनिकल फ्लास्क को ताकि हमें रंग आसानी से दिखाई दे। क्योंकि इस प्रकार के अनुमापन में आपको मालूम है पहले रंगहीन विलयन रहता है, फिर अंतिम बिंदु पर रंगहीन से रंग परिवर्तन हो जाता है और गुलाबी रंग आ जाता है। तो एकदम से आपको रंग परिवर्तन सफेद रंग की चिकनी टाइल पे दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर रखी जाती है सफेद रंग की चिकनी टाइल। इस तरह से आप देखिए ये ब्यूरेट मैंने आपको इस तरह से बताई थी, लंबी नलिका होती है ब्यूरेट, जिसमें नीचे यहाँ पर पिचफॉर्क लगा रहता है। इस ब्यूरेट के ऊपर 50 ml लिखा रहता है, ऊपर यहाँ पर देखिए आपका जीरो का निशान है। इस जीरो के निशान तक जब आप विलयन को भरोगे तो इसका आयतन हो जाएगा 50 ml। उसके बाद आप विलयन को कैसे भरोगे वो भी मैंने आपको बताया था कि फनल लगाकर भरोगे। यहाँ से जब आप भर रहे हो देखिए ये फनल है, फनल लगाया और बीकर से हम विलयन को इसमें भरेंगे। डायरेक्ट विलयन नहीं भरा जाता है, बीकर से फनल लगाकर विलयन को भरते हैं। और जब यहाँ पर जीरो के निशान तक विलयन भर जाता है तो हम कहते हैं कि अब इसमें 50 ml विलयन भरा गया है। और विलयन भरते समय आपको एक और सावधानी बताई थी मैंने, पहले आपको बताया था कि यदि विलयन रंगहीन है तो विलयन की निचली सतह देखी जाती है कि वो जीरो पर है या नहीं है, और यदि विलयन रंगीन है कलर्ड है तो फिर आपको ऊपरी सतह देखनी है। यहाँ पर हमने नोट किया था कि केमेनोफोर को हम भरेंगे ब्यूरेट में, जब केमेनोफोर को हम ब्यूरेट में भरेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो आप सभी ने देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो रहता है वह गहरे बैंगनी रंग का रहता है, अर्थात यह कलर्ड है, रंगीन है। इसीलिए जब हम जीरो पर मिलान करेंगे तो हम देखेंगे इसकी ऊपरी सतह, क्योंकि रंगीन के लिए हम कौन सी सतह देखते हैं, ऊपरी सतह। आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मौखिक प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जब भी आप जीरो तक निशान तक भरते हो विलयन को, तो यदि रंगहीन है तो निचली सतह देखते हैं और यदि रंगीन है कलर्ड है तो ऊपरी सतह को हम देखते हैं। इस तरह से देखिए ब्यूरेट में किस तरह से विलयन भरा जाता है। देख लिया आपने कि ब्यूरेट में विलयन किस तरह से भरा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरे आप चित्र में देखिए ब्यूरेट विलयन का जो है हम कैसे ट्राइट्रेशन कर रहे हैं। आपको मैंने बताया ये ब्यूरेट में भर दिया आपने पूरा, उसके बाद ये देखिए नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखते हैं हम, है ना। तो कॉनिकल फ्लास्क में आपको मालूम है विलयन हम कौन सा लेंगे, जैसे आपने उदाहरण दिया एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट या केमेनोफोर की सांद्रता ज्ञात करना। तो एक पद अनुमापन में अज्ञात विलयन को हम भरते हैं ब्यूरेट में, तो आपने केमेनोफोर को या पोटेशियम परमैंगनेट को भर दिया ब्यूरेट में। अब आप पिपेट की सहायता से क्या करोगे, खींचोगे कौन सा विलयन एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, और खींचकर आप डालोगे कॉनिकल फ्लास्क में, और कॉनिकल फ्लास्क में डालने के पश्चात उसे आप रखोगे ब्यूरेट के नीचे। देखिए यहाँ पर रखा गया है कॉनिकल फ्लास्क को और टाइल के ऊपर, नीचे टाइल रखी है, टाइल के ऊपर आपने कॉनिकल फ्लास्क रख दिया।
अब यहाँ पर आपको सूचक डालने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष आपने अम्ल क्षार अनुमापन किया था तो आपने सूचक डाला था, परंतु यहाँ पर हम सूचक नहीं डालेंगे क्योंकि जो KMnO4 विलयन हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, वही स्वयं सूचक का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर हमको अलग से सूचक डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब हम यह अनुमापन करते हैं तो ऑक्सैलिक अम्ल में थोड़ा सा तनु एस्टर सल्फोन डाल देते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है वह तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है, अम्लीय माध्यम में भी करता है, क्षारीय माध्यम में भी करता है, उदासीन माध्यम में भी करता है, परंतु अम्लीय माध्यम में इसकी तीव्रता अधिक होती है, इसीलिए यह बहुत ही जल्दी अभिक्रिया को पूर्ण कर देता है। इसीलिए माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तनु एस्टर सल्फोन मिला देते हैं। तो हमने पेट से N/10 ऑक्सैलिक अम्ल खींचा, उसके बाद उसे कोनिकल फ्लास्क में डाला और उसमें थोड़ा सा तनु एस्टर सल्फोन डाल दिया और ब्यूरेट के नीचे रखकर ब्यूरेट से बूंद बूंद करके हम KMnO4 विलयन ऑक्सैलिक अम्ल में डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं। देखिए यहाँ पर रखा है, ब्यूरेट से हम बूंद बूंद करके डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। यह क्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि कोनिकल फ्लास्क में जो रंगहीन ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन है वह रंगहीन से हल्के गुलाबी रंग का न हो जाए। जैसे ही वह हल्के गुलाबी रंग का हो जाएगा, हल्का गुलाबी रंग स्थायी रूप से प्राप्त हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि अब अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, अंतिम बिंदु आ गया है, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अनुमापन की क्रिया विधि आपको दिखाई जा रही है, बूंद बूंद करके डाला जा रहा है और यह क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि हल्का गुलाबी रंग प्राप्त न हो जाए। अब जैसे ही हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो गया तो अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रीडिंग लेने के लिए आपको सीधा रखना है आंख को, न तो ऊपर से देखना है न नीचे से देखना है, इसकी सीध में देखना है आपको, आंख को कैसे देखना है, सीध में। और उसके बाद भी आप जब देखोगे तो यहाँ देखिए ये लेयर जो दिख रही है ना, ये लेयर ये देखनी है कि ये कहाँ पर है। इस तरह से आपको रीडिंग लेनी है और रीडिंग लेने का भी मैंने आपको तरीका बताया। यदि रंगहीन विलयन है तो रंगहीन विलयन में आपको दो तरह की मेनिस्कस या सतहें दिखती है, दो तरह की, एक ऊपरी दिखती है और एक निचली दिखती है। तो रंगहीन विलयन में आपको नीचे की सतह देखनी है और रीडिंग लेनी है। और यदि कलर्ड विलयन है, रंगीन विलयन है जैसा कि KMnO4 है, तो आपको ऊपरी सतह देखनी है और रीडिंग लेनी है। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं, इस तरह से आप रीडिंग लेकर ब्यूरेट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको धोना दिखाया है वॉश बॉटल से कैसे धोया जाए, ये उपकरण किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं ये बताया है आपको। ये देखिए यदि आपको मापक फ्लास्क में विलयन को डालना है तो कैसे डालिए, आपको डायरेक्ट नहीं डालना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको किसका उपयोग करना है, आपको फनल का उपयोग करना है, फनल लगाकर और आप इसे डालेंगे और फनल जो है आपका टाइट रहेगा, मतलब वायु इधर उधर से ना जाए। इस तरह से देखिए आपने फनल लगाया, छड़ रखी और उसके बाद विलयन को डाला, ये देखिए, देखिए आप डाल रहे हैं और इसमें जीरो तक आपको इसको भर देना है। जब आप मानक विलयन बनाते हैं ना तो ये आपका है मापक फ्लास्क या स्टैंडर्ड फ्लास्क या मानक फ्लास्क, इस मानक फ्लास्क में आपको जीरो तक भरना है और आखिरी जब एक दो बूंद रह जाती है तो आप पिपेट की सहायता से इसे भर सकते हो। इस तरह से आपको उपकरणों का उपयोग करना है। तो इस तरह से उपकरणों का उपयोग आप जान गए कि उपकरणों का उपयोग, ब्यूरेट का उपयोग किस तरह से करना है, पिपेट का उपयोग किस तरह से करना है और स्टैंडर्ड फ्लास्क या मानक फ्लास्क से मानक विलयन कैसे बनाना है, कल भी हम देख चुके थे। तो इस तरह से
आपको अनुमापन की क्रियाविधि का ज्ञान हो गया होगा। यदि इसमें कोई समस्या आ रही है कि अनुमापन कैसे करना है, अभी हम एक पद अनुमापन की बात कर रहे हैं, तो एक पद अनुमापन की क्रियाविधि में यदि कोई समस्या आ रही है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। एक पद अनुमापन में शिक्षक बंधु प्रेरित करिए बच्चों को, यदि कोई समस्या आ रही है एक पद अनुमापन में तो पूछे। इसके बाद मैंने आपको रीडिंग लेने का तरीका बताया था। मैंने आपको बताया था कि रीडिंग तब तक लेनी है, प्रेक्षण तब तक लेना है जब तक कि दो लगातार एक से पाठ्यांक आ न जाए, उसे हम कहते हैं सुसंगत पाठ्यांक। जब तक दो लगातार एक से पाठ्यांक न आ जाए तब तक हमको रीडिंग लेते जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दो रीडिंग लेनी है, तीन लेनी है या चार लेनी है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, एक बार चाहे तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेक्षण तालिका इस तरह से बनानी है, पहले क्रमांक लिखना है, फिर प्रीपेड का आयतन लिखना है। यहाँ पर आपने ऑक्सैलिक अम्ल को खींचा था प्रीपेड से, तो यहाँ पर आपका ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन आ जाएगा। देखिए पहली रीडिंग यदि आपकी प्रीपेड 20 ml की है तो आपने लिखा 20 ml और आपका ब्यूरेट पहले 0 तक भरा था। जब आपने अनुमापन किया अंतिम बिंदु पर आपकी रीडिंग आई 8.5 ml। उसके बाद आपने दूसरी रीडिंग निकाली, दूसरी रीडिंग आपकी 8.1 आई, फिर तीसरी रीडिंग निकाली 8.0 आई, चौथी रीडिंग आपने निकाली 8.0 आई। अब आप देखिए दो लगातार एक सी रीडिंग आ गई आपकी। जब दो लगातार एक सी रीडिंग आ जाएंगी तो फिर आप अनुमापन करना बंद कर दोगे। इसे हम कहते हैं सुसंगत पाठ्यांक। और यही जो सुसंगत पाठ्यांक रहता है, यही आपका जो ब्यूरेट में विलयन भरा है उसका प्रयुक्त आयतन रहेगा। तो यहाँ पर के विनोपुर का प्रयुक्त आयतन हम इसी को लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम प्रेक्षण तालिका बनाते हैं और प्रेक्षण लेते हैं। प्रेक्षण लेने के पश्चात फिर करी जाती है गणना। अब गणना हम कैसे करेंगे देखिए, गणना के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि गणना के लिए सूत्र है आपका N1V1 N2V2, जहां पर N1 है आपका मानक विलयन की नॉर्मलता, V1 है आपका मानक विलयन का आयतन, N2 है आपका अज्ञात विलयन की नॉर्मलता और V2 है आपका अज्ञात विलयन का आयतन। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें देखिए N1 क्या था, आपको उद्देश्य में दिया गया था दिए गए N/10 ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से। तो मानक विलयन की नॉर्मलता कितनी दी थी N/10, तो N1 की जगह आप लिखोगे N/10। आपने जब पिपेट से खींचा था, मान लो आपकी पिपेट थी 20 की, तो आपने आयतन कितना लिखा 20 ml। N2 आपको निकालना है क्योंकि अज्ञात विलयन जो आपने KMnO4 भरा था ब्यूरेट में उसको आपको निकालना है, तो आपने लिखा N2। अब यहाँ पर है अज्ञात विलयन का आयतन, तो जो आपने रीडिंग ली, अब रीडिंग में आप कौन सी रीडिंग भरोगे, जो दो लगातार एक सी रीडिंग आई है सुसंगत पाठ्यांक उसी को भरोगे। तो सुसंगत पाठ्यांक अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, यदि मान लो हमारी दो लगातार रीडिंग कितनी आई 8.0, तो अपना सुसंगत पाठ्यांक कितना आया 8.0, तो यहाँ पर कितना भरोगे आप 8.0। इस तरह से आप N2 निकाल लोगे, तो N2 बराबर आपका क्या आएगा N/10 × 20/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ गया N/4। तो आपकी अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की अज्ञात KMnO4 अज्ञात विलयन आपने KMnO4 लिया था, अज्ञात KMnO4 की नॉर्मलता कितनी आ गई N/4। तो गणना के द्वारा अपने अज्ञात KMnO4 की नॉर्मलता निकाल ली N/4। परंतु जब आपसे परिणाम पूछा जाता है तो आपने उद्देश्य लिखा था दिए गए N/10 ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो अब आपको इसको किस में ज्ञात करना है, ग्राम प्रति लीटर में। अभी तो ये आपकी नॉर्मलता आई है, अब इसको आपको चेंज करना है सांद्रता में, और सांद्रता भी किस में, ग्राम प्रति लीटर में। तो आप लिखोगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर में
सांद्रता बराबर इसका फॉर्मूला है नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। अब आप देखिए नॉर्मलता भी आपने निकाली ना n बाय फोर, अब तुल्यांकी भार किसका तुल्यांकी भार, आप किसकी सांद्रता निकाल रहे हो, के मेनो फोर की। मैंने आपको बार बार बताया है कि K-4 या पोटेशियम पर मैग्नेट जो रहता है वह तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, अम्लीय में भी, क्षारीय में भी और उदासीन में भी। यहाँ पर हमने माध्यम अम्लीय लिया है तो अम्लीय माध्यम में जब हम उसका तुल्यांकी भार निकालते हैं तो आता है 31.6। यहाँ पर हम इसके तुल्यांकी भार 31.6 से गुणा कर देंगे तो जो अपना रिजल्ट आएगा हम यह रिजल्ट लिख के और उसकी इकाई लिख देंगे ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह से जो है हम परिणाम निकाल सकते हैं, KNO4 की सांद्रता निकाल सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में। तो ये तो हमने बात करी एक पद अनुमापन की जो एक पद में होता है, परंतु अभी 12वीं कक्षा में आपके जो कोर्स में है फाइनल में है, फाइनल में आपका द्विपद अनुमापन आता है। तो अब हम बात करेंगे द्विपद अनुमापन की कि द्विपद अनुमापन होता क्या है। अभी तो आपने एक पद देखा, अब हमको लेना है द्विपद अनुमापन। द्विपद मतलब दो पदों में चलने वाला, उस अनुमापन को कहेंगे द्विपद अनुमापन। अभी आपने क्या किया, आपके पास दो विलयन थे, एक विलयन था मानक और एक विलयन था अज्ञात। अब यहाँ पर आपके पास तीन विलयन होंगे, एक होगा आपका मानक विलयन, एक होगा आपका माध्यमिक विलयन और एक होगा आपका अज्ञात विलयन। जब आप द्विपद अनुमापन की बात करोगे तो आपके पास तीन प्रकार के विलयन रहेंगे, आपको तीन प्रकार के विलयन मिलेंगे द्विपद अनुमापन जब आप करोगे। एक रहेगा मानक विलयन, एक रहेगा माध्यमिक विलयन और एक रहेगा अज्ञात विलयन। आपको द्विपद अनुमापन में क्या करना है, पहले मानक विलयन से माध्यमिक विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है और फिर माध्यमिक विलयन से अज्ञात की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो गए ना दो पद, अभी एक ही पद था, एक पद में आपको एक मानक था एक अज्ञात था, मानक से सीधे आपने अज्ञात की ज्ञात कर ली थी, परंतु यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मानक से निकालना है किसको, माध्यमिक को, फिर माध्यमिक से निकालना है अज्ञात को। तो आपके दो पद हो गए, पहला स्टेप हो गया मानक से माध्यमिक की सांद्रता निकालना, फिर दूसरा पद हो गया माध्यमिक से अज्ञात की सांद्रता निकालना। तो इसीलिए इस अनुमापन को क्या कहते हैं, द्विपद अनुमापन, क्योंकि यहाँ पर हम अनुमापन की क्रिया को दो पदों में पूरा करते हैं। अब इसके लिए जो आपको उद्देश्य दिया जाता है, आपको देखिए जब आपको उद्देश्य दिया जाएगा तो इस तरह से उद्देश्य दिया जाएगा, दिए गए n बाय 10 ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से, दिए गए n बाय 10 ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। माध्यमिक विलयन KNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। ये आपको उद्देश्य दिया जाएगा किसका, द्विपद अनुमापन का। द्विपद अनुमापन में इस तरह से उद्देश्य दिया जाएगा। इस बार जब आप 12th में फाइनल का प्रैक्टिकल करोगे तो फाइनल के प्रैक्टिकल में एक पद अनुमापन नहीं पूछा जाता है, वहां पर कौन सा अनुमापन पूछा जाता है, द्विपद अनुमापन। परंतु एक पद आपको समझना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप एक पद नहीं समझोगे आपको द्विपद समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले मैंने आपको एक पद अनुमापन समझाया, इसके बाद अब हम आए हैं कहाँ, द्विपद अनुमापन की तरफ।
तो आपको उद्देश्य इस तरह से दिया जाएगा परीक्षा में, जब आपको उद्देश्य दिया जाएगा, आप चाहें तो नोट कर लें, तो आपको उद्देश्य दिया जाएगा, नोट कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका उद्देश्य रहेगा दिए गए एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, माध्यमिक विलयन केमेनोफोर है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको द्विपद अनुमापन के लिए 3 मिलियन चाहिए, चाहिए ना, ऊपर लिखा है ना, देखिए मैंने ऊपर लिखा है, आपको 3 मिलियन चाहिए, एक चाहिए मानक विलयन, एक चाहिए माध्यमिक विलयन, एक चाहिए अज्ञात विलयन। तो आप देखिए यहाँ पर मानक विलयन कौन सा है आपका, एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, तो एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ पर कौन सा विलयन है, मानक विलयन। तो मानक विलयन इस आपके उद्देश्य में कौन सा आ गया, एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, ये हो गया आपका कौन सा विलयन, मानक विलयन। ठीक है, अब आप इसे उद्देश्य में देखिए, माध्यमिक विलयन कौन सा है, माध्यमिक विलयन है केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, और अज्ञात विलयन कौन सा है, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपको तीनों विलयन दिए है ना, तो जब भी आप द्विपद अनुमापन की बात करोगे तो द्विपद अनुमापन में आपको 3 विलयन चाहिए। तो आप अगर उद्देश्य को ध्यान से देखोगे तो आपके उद्देश्य में देखिए 3 विलयन दिए हैं, आपके उद्देश्य में दिया है n बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल और n बाय टेन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो, जिसकी नॉर्मलता ज्ञात हो, वो आपका मानक विलयन। तो आपका मानक विलयन क्या हुआ, n बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल। माध्यमिक विलयन आपको उद्देश्य में दे दिया है, उद्देश्य में क्या दिया है माध्यमिक विलयन, केमेनोफोर, तो आपका केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, माध्यमिक विलयन। उसके बाद अज्ञात विलयन आप उद्देश्य में देखिए, दिया है अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल, तो अज्ञात विलयन हो गया आपका कौन सा, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आपसे वायवा में मौखिक प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, आपको उद्देश्य में ही पूछ लेगा बाह्य परीक्षक अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा उद्देश्य पढ़ के बताओ तो इसमें मानक विलयन कौन सा है, तो आप उद्देश्य को पढ़िए और उसमें देखिए कि जिसकी नॉर्मलता या सांद्रता आपको दी है वो आपका मानक विलयन। यहाँ पर एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल दिया है तो ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता दी है आपको एन बाय टेन, इसीलिए हो गया आपका मानक विलयन। माध्यमिक विलयन दिया ही है केमेनोफोर, और अज्ञात विलयन का नाम लिया ही है अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपने देखा कि उद्देश्य से हमें पता चल गया कि मानक विलयन कौन सा है, माध्यमिक विलयन कौन सा है और अज्ञात विलयन कौन सा है। तो द्विपद अनुमापन में सबसे पहले हमने उसका उद्देश्य देख लिया कि द्विपद अनुमापन का उद्देश्य क्या है, जैसे उदाहरण हमने लिया जो आपका अभी कोर्स में है, दिए गए एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, माध्यमिक विलयन केमेनोफोर है। तो सबसे पहले हमने उद्देश्य की बात कर ली, अब आवश्यक उपकरण आपको क्या क्या लगेंगे, क्योंकि अगली स्टेप आती है अनुमापन की कि उपकरण कौन कौन से। तो उपकरण वही आपके ब्यूरेट है, पिपेट है, जो भी एक पद अनुमापन में आपने उपयोग में लाए हैं वही सारे उपकरण। तो आप नोट करते चलिए कि उपकरण आपको कौन कौन से लगेंगे, ब्यूरेट लगेगा, पिपेट लगेगा, ब्यूरेट स्टैंड लगेगा, फनल लगेगा आपका, उसके बाद आपको मानक फ्लास्क लगेगा, मानक विलयन बनाना है ना, आपको मानक फ्लास्क लगेगा, उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको कांच की छड़ लगेगी है ना, बीकर लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेगा, तो ये और टाइल सफेद रंग की चिकनी टाइल लगेगी। तो ये सब चीजें आपको जरूरत के लिए लगेंगी, ये आवश्यक उपकरण हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम इस अनुमापन को देखें तो ये अनुमापन कौन सा अनुमापन है, मतलब किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है तो द्विपद अनुमापन पर सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत वही है इसका भी कि ये भी कौन सा अनुमापन है, रिडॉक्स अनुमापन, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं, तो ये कौन सा अनुमापन है, रिडॉक्स अनुमापन है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कौन कार्य कर रहा है, केमेनोफोर, और अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ऑक्सैलिक अम्ल, और यहाँ पर भी केमेनोफोर जो है अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा, तो यहाँ पर भी आपका माध्यम कैसा है, अम्लीय है। तो इसका सिद्धांत भी कौन सा है, वही सिद्धांत है जो एक पद अनुमापन का है, यह भी रिडॉक्स
अभिक्रिया वाला अनुमापन है या रिडॉक्स अनुमापन है या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है। तो ये हमने बात कर ली सिद्धांत की। अब हम इस अनुमापन को करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हम मानक विलयन बनाएंगे, जैसे हमने वहां बनाया था मानक विलयन बनाया था ना ऑक्सैलिक अम्ल का, तो फिर से यहाँ पर भी आपको n बार 10 ऑक्सैलिक अम्ल दिया है। अगर आप चाहो तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि मानक अम्ल हम कैसे बनाएंगे। तो मानक विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना तोलेंगे ऑक्सैलिक, तो वही फॉर्मूला मैंने बताया था, या तो आप चूकी करके करो या फॉर्मूले से करो। तो आवश्यक ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा कैसे निकालेंगे, है ना? आपको मानक विलयन बनाना है ना ऑक्सैलिक अम्ल का, तो आवश्यक ऑक्सैलिक अम्ल का भार या मात्रा कैसे निकालेंगे, है ना? इसको हम दर्शाते हैं W से। W बराबर E इंटू एन इंटू वी अपॉन 1000। ये अपना फॉर्मूला कल आया था, कल निकाला था हमने। E क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है 63। N क्या है? नॉर्मलता आपको उद्देश्य में दी है ना, N by 10 दिया है ना उद्देश्य, तो नॉर्मलता कितनी होगी? N by 10। अब यदि आपका मापक फ्लास्क 250 mm का है तो आयतन कितना हो गया? 250 mm। आपका मापक फ्लास्क आप देख लेना, जो मानक फ्लास्क जिसमें आप बनाने वाले हो, यदि 100 का है तो आप 100 लिख देना, 250 का है तो 250 लिख देना। जनरली जो है लैब में 250 या 100 वाले मानक फ्लास्क ही यूज किए जाते हैं। तो जैसा आपके पास उपलब्ध है आपकी प्रयोगशाला में, यदि 250 का है तो 250 लिख देना, 100 वाला है तो 100 लिख देना, बटे आपका 1000। ठीक है, लिख दिया आपने। अब इसको आप सॉल्व करो। देखो जीरो से जीरो काट दिया, 25 जीरो, तो आपका आ गया 63/40। कल अपन ने निकाला था 40 को हमने 63 में भाग दिया था, कल निकाला था ना, तो कितना आया था? 1.575। तो अब आप रासायनिक तुला पर 1.575 ग्राम तोल लोगे ऑक्सैलिक अम्ल को, ठोस ऑक्सैलिक अम्ल को तोल लोगे, उसके बाद उसे मानक फ्लास्क में डालकर धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पूरा पानी भर के और आप विलयन को तैयार कर लोगे, जैसा कल मैंने आपको बताया था। और आप चाहो तो फिर आप देख लो, ये है आपका मानक फ्लास्क, इसमें डाल दिया, ऊपर पनल से पानी डाल रहे हैं। देखिए ये निशान जो बना हुआ था ना इसका, यहाँ तक जब आप भर दोगे तो आपका विलयन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप मानक विलयन बना सकते हो। तो मानक विलयन बन जाएगा, पहली स्टेप आपकी रहेगी मानक विलयन को बनाना। आपका बन गया मानक विलयन। अब आपको करना है द्विपद अनुमापन। अभी तो सिर्फ आपने मानक विलयन बनाया, उसके बाद आपको एक विलयन और दिया है। कौन सा दिया है? अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल।
ये आपका अज्ञात विलयन होगा। ठीक है, अब आपके पास तीन विलयन हो गए। मानक विलयन आपने बनाया, केमिनोफोर माध्यमिक विलयन के रूप में आपको दिया है, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल अज्ञात विलयन है जो आपको दिया है। सूचक फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूचक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि केमिनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्वयं सूचक का काम करता है। अब आप कैसे करोगे, अब आप ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले ब्यूरेट में आपको भरना है माध्यमिक विलयन। अब आप ब्यूरेट में किसको भरोगे, माध्यमिक विलयन को। एक पद अनुमापन की जब हमने बात की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक पद अनुमापन में ब्यूरेट में अज्ञात विलयन को भरा जाता है और पिपेट से मानक विलयन को खींचा जाता है। वो बात थी आपकी एक पद अनुमापन की। अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, द्विपद अनुमापन में। तो नोट करते चलिए, द्विपद अनुमापन में हमेशा माध्यमिक विलयन को कहाँ भरा जाएगा, ब्यूरेट में। तो आप ब्यूरेट में किसको भरोगे, माध्यमिक विलयन को, क्योंकि अब आप कौन सा अनुमापन करने जा रहे हो, द्विपद अनुमापन। तो ब्यूरेट में आपको किसको भरना है, माध्यमिक विलयन को। और माध्यमिक विलयन यहाँ पर आपका कौन सा है, केमिनोफोर। तो सबसे पहले आप सारे उपकरणों को धोकर और धोने के पश्चात ब्यूरेट में कौन सा विलयन भर दोगे, केमिनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट। ब्यूरेट में भरने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि ब्यूरेट में कैसे भरना है। ब्यूरेट में फनल लगाकर भरना है और जीरो के निशान तक भर देना है। ठीक है, भर दिया आपने। भरते टाइम आपको ध्यान रखना है केमिनोफोर जो है आपका रंगीन विलयन है, कलर्ड विलयन है, इसीलिए जब जीरो के निशान को देखोगे तो इसकी ऊपरी सतह को देखोगे, क्योंकि रंगीन विलयन में हमेशा कौन सी सतह देखी जाती है, ऊपरी सतह। अब आपने जीरो तक भर दिया, इसके बाद अब आपको क्या करना है। मैंने आपको स्टेप में बार बार बता रही हूँ, ये द्विपद अनुमापन है, द्विपद में आपको दो पदों में करना है। पहले मानक विलयन से माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता निकालना है और उसके बाद माध्यमिक विलयन से अज्ञात की निकालना है। तो आपको दो स्टेप में करना है, पहले मानक से निकालना है माध्यमिक की। तो मानक विलयन जो है आपका, जो आपने अभी तैयार किया 10/10 ऑक्सैलिक अम्ल, उसको आप पिपेट से खींचोगे किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, आपने पिपेट से खींच लिया कोनिकल फ्लास्क में, क्योंकि यह क्रिया भी अम्लीय माध्यम में हो रही है तो थोड़ा सा आप इसमें क्या डाल दोगे, अम्ल डाल दोगे। ठीक है, अब ये ट्राइट्रेशन के लिए तैयार हो गया। ब्यूरेट के नीचे रख दिया कोनिकल फ्लास्क को, और ब्यूरेट के नीचे रखने के पश्चात कोनिकल फ्लास्क को आप ब्यूरेट से बूंद बूंद करके विलयन डालते गए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। और यहाँ पर आपको सूचक डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केमिनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ स्वयं सूचक का कार्य कर रहा है, तो ऊपर से आपको सूचक डालने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, आप देखिए केमिनोफोर ऑक्सीकारक है और ऑक्सैलिक अम्ल जो है अपचायक है, तो ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करेगा, अपचायक अपचयन करेगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। तो इस ट्राइट्रेशन में आपकी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया। आप करते जाओगे, जब हल्का गुलाबी रंग आ जाएगा आप रीडिंग नोट करोगे। रीडिंग नोट करने का क्रम भी वही है कि आपको तब तक करते जाना है जब तक कि दो लगातार एक सी रीडिंग प्राप्त न हो जाए। अब यहाँ पर आपकी जब प्रेक्षण तालिका बनाओगे तो चूंकि ये द्विपद अनुमापन है, दो पदों में होगा, तो आपकी प्रेक्षण तालिकाएं भी दो बनेंगी। कैसे बनेंगी प्रेक्षण तालिकाएं, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेक्षण तालिका आप कैसे बनाएंगे। नोट करते चलिए कि प्रेक्षण तालिका आप कैसे बनाएंगे। जब आप प्रेक्षण तालिका बनाएंगे तो सबसे पहली जो प्रेक्षण तालिका होगी उसमें आप नोट करेंगे, लिखेंगे कि एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल व एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल व केमिनोफोर के बीच अनुमापन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया,
एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल और KMnO4 के बीच में अनुमापन किया। अगर आपको इसको और विस्तृत रूप से समझाना है तो आप इसके ब्रैकेट में ज्ञात भी लिख सकते हो। ये ज्ञात है ना आपका, ये ज्ञात है। और दूसरा जो विलयन आपको दिया है अज्ञात दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर तालिका बनाइए, वैसे ही तालिका बनाएंगे, यहाँ क्रमांक डालेंगे, यहाँ लिखेंगे पिपेट का आयतन, पिपेट से खींचोगे ना। अब यहाँ पर पिपेट से आपने किसको खींचा है, ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल को, ज्ञात को खींचा है, ज्ञात लिखो या एन बाय टेन लिखो, है ना, ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, ठीक है। या उसकी जगह आप लिख सकते हो एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। फिर वही तालिका आपका ब्यूरेट का प्रथम पार्ट और ब्यूरेट का द्वितीय पार्ट, ठीक है। ब्यूरेट का नोट करते चलिए, द्वितीय पार्ट या अंतिम पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही KMnO4 का प्रयुक्त आयतन, रीडिंग लेनी शुरू कर दी। नोट करिए, इस तरह से नोट कर लीजिए। अब आपने रीडिंग लेनी शुरू की, मान लो आपकी पिपेट अब 20 की नहीं है, किसी के पास 20 की होगी, किसी के पास 25 की होगी। मान लो आपके पास पिपेट है 25 एमएल की, तो आपने लिखा कि पिपेट का आयतन कितना था, 25 एमएल। ये हमने कौन सा विलयन दिया है, या तो ऑक्सैलिक अम्ल या एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल। ब्यूरेट पहले 0 पर थी। अब यदि आपने रीडिंग निकाली तो आपकी रीडिंग मान लो आ गई 9.6 है, ठीक है। ये पहली रीडिंग आ गई आपकी, हल्का गुलाबी रंग आ गया। फिर आपने क्या किया, फिर से 0 तक भरा, फिर दूसरी रीडिंग निकाली। जब आपने फिर से वही पूरी प्रोसेस आपने करी ना, जब आपने रीडिंग निकाली तो मान लो आ गई 9.4, ठीक है। अब ये भी 2 लगातार एक से नहीं है, फिर आपने तीसरी निकाली। जब आपने तीसरी रीडिंग निकाली तो मान लो तीसरी आपकी आ गई 9.2, ये भी 2 लगातार एक से नहीं है। फिर आपने चौथी निकाली, जब आपने चौथी निकाली तो मान लो चौथी आपकी आ गई 9.1, ये भी 2 लगातार एक से नहीं है। फिर आपने पांचवी निकाली, जब आपने पांचवी निकाली तो आपने क्या देखा कि अब ये आ गई 9.1 है। बस अब आपको टाइट्रेशन करना बंद कर देना है, क्योंकि 2 लगातार आपकी रीडिंग एक से आ गई, 2 आ गई ना 9.1 है। तो अब जब 2 लगातार एक से आ गई, अब आप टाइट्रेशन करना बंद कर दोगे। तो ये जो 2 लगातार एक से है, ये हो गया आपका सुसंगत पाठ्यांक और यही होगा आपका KMnO4 का प्रयुक्त, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, ये रीडिंग निकाल के रख दी आपने। अब ये आपका एक पद पूरा हो गया, आपने ब्यूरेट में भरा माध्यमिक विलयन KMnO4 और पिपेट से खींचते हैं ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल या एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, और आपने अनुमापन कर डाला। रीडिंग निकालते गए जब 2 लगातार एक से रीडिंग आ गई तो आपका आ गया आपका सुसंगत पाठ्यांक, और आपने अब अनुमापन में खत्म कर दिया, एक पद आपका खत्म हो गया। अब आपका दूसरा पद शुरू होता है। अब दूसरा पद में आप क्या करोगे, माध्यमिक विलयन तो वही रहेगा, अभी आपने किसके बीच टाइट्रेशन कराई, मानक विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में। मानक विलयन था आपका एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल, तो एन बाय टेन ऑक्सैलिक अम्ल और आपने माध्यमिक विलयन के बीच टाइट्रेशन कराई। मानक की सांद्रता आपको ज्ञात थी, उसकी सहायता से आपने माध्यमिक की निकाली। अब आपको माध्यमिक की सहायता से निकालनी है अज्ञात की, तो माध्यमिक हमेशा ब्यूरेट में ही भरा रहेगा। तो माध्यमिक कहाँ रहेगा, ब्यूरेट में ही रहेगा। द्विपद अनुमापन में हमेशा ध्यान रखना कि माध्यमिक विलयन को हमेशा कहाँ भरते हैं, ब्यूरेट में, तो वो ब्यूरेट में ही भरा रहेगा। अब हम पिपेट से जो खींचेंगे वो होगा आपका अज्ञात विलयन। यहाँ पर अज्ञात विलयन कौन सा है, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। तो ब्यूरेट में फिर से हम 0 तक भर देंगे KMnO4 को, भरा हुआ था ही, जितना खर्च हो गया आप उसको 0 तक भर दो। नोट करते चलो कि माध्यमिक विलयन को हमेशा कहाँ भरना है,
ब्यूरेट में, ठीक है। तो आपने ब्यूरेट में भर दिया। अब पिपेट से अभी तक आप ज्ञात को खींच रहे थे, अब आप धो लो, पिपेट को भी धो लो, कॉनिकल फ्लास्क को भी धो लो, है ना। धोने के बाद अब आप उसमें से क्या खींचो, अज्ञात औषधिक अम्ल, क्योंकि अब हमें माध्यमिक विलयन और अज्ञात औषधिक अम्ल के बीच में अनुमापन कराना है। तो अब आप खींच लीजिए उसको, कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए, थोड़ा सा अम्ल डाल दीजिए और टाइट्रेशन शुरू कर दीजिए, और प्रेक्षण तालिका बनाकर और उसमें उसकी रीडिंग भरिए। तो यहाँ पर आपकी दो प्रेक्षण तालिका बनेंगी, एक आपकी ज्ञात के साथ बन गई, अब आप बनाएंगे अज्ञात के साथ। अज्ञात के साथ आप कैसे बनाएंगे, ये पहली प्रेक्षण तालिका थी, अब अज्ञात के साथ दूसरी प्रेक्षण तालिका आप बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर अज्ञात विलयन भी कौन सा है आपका, ऑक्सैलिक अम्ल, व KMnO4, नोट करते चलिए के बीच अनुमापन, ठीक है। अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल व KMnO4 के बीच अनुमापन, फिर से वैसे ही तालिका बनाइए, ठीक है। यहाँ क्रमांक डालिए, यहाँ वही पिपेट का आयतन, अब पिपेट से आप किसको खींचोगे, अब आपको खींचना है अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल को, ये नोट कर लेंगे अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, फिर वही कॉलम ब्यूरेट का प्रथम पार्ट, ब्यूरेट का प्रथम पार्ट नोट करते चलिए, फिर ब्यूरेट का द्वितीय पार्ट, यहाँ अंतिम भी लिख सकते हो, है ना, ब्यूरेट का द्वितीय पार्ट। अच्छा, ब्यूरेट में तो आपने KMnO4 ही भरा है, यहाँ पर आ जाएगा KMnO4 का प्रयुक्त आयतन, ठीक है। तालिका उसी तरह की है, सिर्फ यहाँ पर ज्ञात की जगह आपका अज्ञात आ गया, बाकी उसी तरह की तालिका है आपकी। अब आप फिर से क्रमांक लिखेंगे, लिखा पिपेट आपने अगर 25 की ली थी तो पिपेट तो आपकी वही है, तो आपने अभी अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल भी कितना खींचा, 25 ml, ब्यूरेट का प्रथम पार्ट 0.0 ml। अब मान लो आपने जब रीडिंग निकाली, मान लो आपकी रीडिंग आ गई 2.5 ml, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सूचक नहीं डालना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि KMnO4 जो है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है, वो स्वयं सूचक का काम करता है। आपने एक रीडिंग निकाल ली, उसके बाद फिर से दूसरी रीडिंग निकाली, फिर से धोया, फिर से जीरो तक भरा, फिर से निकाली। अब मान लो यदि आपने रीडिंग निकाली और दूसरी रीडिंग भी आ गई 2.5, क्योंकि दो आ गई लगातार एक से, बस अब आपको टाइट्रेशन नहीं करनी है। जब भी दो लगातार एक सी रीडिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं सुसंगत पाठ्यांक, उसके बाद हमको अनुमापन बंद कर देना है। तो आप अनुमापन को बंद कर दोगे, ये आपकी रीडिंग आ गई, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग कितनी आई, 2.5 ml, तो ये आपकी अज्ञात की रीडिंग आ गई। अब आपके पास ज्ञात की रीडिंग भी है, अज्ञात की रीडिंग भी है, दोनों रीडिंग भी है, प्रेक्षण तालिका आपकी प्रेक्षण पूरे हो गए। अब आपको गणना के द्वारा अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता निकालनी है। तो अब आप गणना कैसे करोगे, अभी मैंने कल आपको एक पद अनुमापन की गणना सिखाई थी, N1V1 = N2V2, परंतु अब हमारे पास द्विपद अनुमापन है, तो द्विपद अनुमापन के लिए अलग सूत्र है। तो द्विपद अनुमापन के लिए क्या सूत्र है, द्विपद अनुमापन के लिए सूत्र है हमारा N1V1 = N2V2 = N3V3। तो द्विपद अनुमापन के लिए सूत्र क्या है, N1V1 = N2V2 = N3V3। अब आप देखिए यहाँ पर N1 क्या है, V1 क्या है, N2 क्या है, V2 क्या है, N3 क्या है, V3 क्या है, तो नोट कर लीजिए। N1 है क्या आपका, जो ज्ञात है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, मतलब N/10 दिया है ना ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल, उसकी नॉर्मलता, ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता, ठीक है।
नोट कर लीजिए, ज्ञात औक्सैलिक अम्ल की नार्मलता। बी वन क्या है? ज्ञात औक्सैलिक अम्ल का आयतन। ज्ञात औक्सैलिक अम्ल का आयतन। इसके बाद अब यहाँ पर N2 क्या है? N2 यहाँ पर आ गया माध्यमिक विलयन। N2 है माध्यमिक विलयन की नार्मलता। N2 है माध्यमिक विलयन की नार्मलता। अब V2 क्या है? V2 है माध्यमिक विलयन का आयतन। माध्यमिक विलयन का आयतन। उसके बाद अब N3 क्या है? अज्ञात, यहाँ पर अज्ञात कौन सा दिया है? ऑक्सैलिक अम्ल। तो अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नार्मलता। अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नार्मलता। V3 क्या है? अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। अम्ल का आयतन, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना फॉर्मूला है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 इक्वल टू N3 V3। पहले N1 V1 से आपको N2 V2 निकालना है, फिर N2 V2 से N3 V3 निकालना है। मतलब आपको पहले ये फॉर्मूले का उपयोग करके N2 को निकालना है, फिर ये फॉर्मूले का उपयोग करके N3 को निकालना है। जहां पर N1 क्या है? आपके ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नार्मलता उद्देश्य को यदि आप देखोगे तो। V1 क्या है? ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। N2 क्या है? माध्यमिक विलयन की निर्मलता। V2 क्या है? माध्यमिक विलयन का आयतन। N3 क्या है? अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नार्मलता। और V3 क्या है? अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम फिर गणना करते हैं। अभी आपने कुछ रीडिंग्स निकाली, तो उस रीडिंग्स के आधार पर अब हम ये सूत्र रखकर और गणना को करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र आप लिखोगे, आधे आधे में लिखोगे, पहले N1 V1 इक्वल टू N2 V2, उससे हम N2 को निकालेंगे। फिर हम लिखेंगे N2 V2 इक्वल टू N3 V3, उससे हम N3 को निकालेंगे। तो पहले हम आधा सूत्र लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? N1 V1 इक्वल टू N2 V2। अब N1 देखिए उद्देश्य में आपको दिया है N by 10 ऑक्सैलिक अम्ल। इसको आपने पिपेट से खींचा था और आपकी पिपेट मान लो थी 25 की, आपने भरी थी ना रीडिंग 25, तो आपने लिखा 25। माध्यमिक विलयन आपने जो ब्यूरेट में भरा था उसको आपको निकालना है, तो N2 आपको निकालना है। और ये जो है पहली रीडिंग जो ज्ञात वाली आई यहाँ पर वो आएगी, क्योंकि ये जो आपने अनुमापन किया है N1 V1 इक्वल टू N2 V2, तो यहाँ पर आपने ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल और माध्यमिक विलयन के बीच में किया है। यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? जो आपने ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल और K-4 के बीच में जो अनुमापन किया है वो रीडिंग। तो वो रीडिंग अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी? 9.1 ml। तो यहाँ पर कौन सी रीडिंग भरोगे? 9.1 ml। क्योंकि अधिकतर आप लोग क्या करते हो, गणना करने में त्रुटि कर देते हो, और गणना में जब त्रुटि कर देते हो तो फिर नंबर आपके कट जाते हैं, क्योंकि ट्राइट्रेशन में आपके नंबर बटे रहते हैं। आपका अनुमापन जो रहता है 5 नंबर का रहता है, प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का है, उसमें से 5 नंबर का आपका रहता है अनुमापन या ट्राइट्रेशन या आयतनात्मक विश्लेषण। उस 5 नंबर में से 2 नंबर आपके गणना के रहते हैं। यदि आपने गणना गलत कर दी तो आपका आंसर भी गलत आता है, तो आपके 5 में से सीधे 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। इसलिए गणना करते वक्त आप सावधानी रखिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है आप बेझिझक प्रश्न पूछिए और अपनी समस्या का समाधान करिए। तो ये अभी जो आपने प्रेक्षण निकाला था उसके आधार पर हमने फॉर्मूले में ये रखे, N1 की जगह हमने ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नार्मलता रखी N/10, V1 हमने ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल को पिपेट से खींचा था और पिपेट की आपका आयतन था 25 ml, तो हमने 25 लिखा।
N2 हमें निकालना है और इन दोनों के ट्राइट्रेशन से KMnO4 का कितना आयतन प्रयुक्त हुआ 9.1, तो हमने वहां पर लिखा 9.1। तो इस तरह से हम N2 को निकाल लेंगे, तो N2 बराबर आएगा N अपॉन 10 25 अपॉन 9.1। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका आया 25N अपॉन 91। अब आप आगे का फॉर्मूला लिखिए, आगे क्या है आपका N2 V2 इक्वल टू N3 V3, तो आपका N2 आपने निकाल लिया, N2 आपका आया ना 25N अपॉन 91। अब V2 क्या है, अब N2 आपका क्या था, माध्यमिक विलयन था ना, माध्यमिक विलयन KMnO4 जो कि किस में भरा हुआ था, ब्यूरेट में भरा हुआ था, ठीक है। तो एक पद में आपने क्या किया कि ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का अनुमापन कराया माध्यमिक विलयन के साथ, अब दूसरे पद में आपने क्या किया, माध्यमिक विलयन का अनुमापन कराया अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल के साथ, तो ये है आपका माध्यमिक विलयन और ये है आपका अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पर जो आयतन आएगा किसका आएगा, माध्यमिक विलयन का, और माध्यमिक विलयन किसमें भरा हुआ है, ब्यूरेट में, मतलब यहाँ पर ब्यूरेट की आपकी दूसरी रीडिंग आएगी जो आपने अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल के साथ निकाली थी, आपने जो दूसरी तालिका बनाई थी, ये आपने दूसरी तालिका बनाई थी जिसमें आपने लिखा था अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल व KMnO4 के बीच अनुमापन, यहाँ पर जो आपने KMnO4 का प्रयुक्त आयतन निकाला था, अब आप वीटो की जगह उसे लिखोगे, क्योंकि अज्ञात के साथ जब आपने अनुमापन कराया था तो KMnO4 की यही रीडिंग आपको प्राप्त हुई थी, यहाँ पर आप कितना लिखोगे 2.5। उसके बाद अज्ञात की नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है, अब ये अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल जो था उसको आपने प्रिपेट से लिया था, चूंकि इसे प्रिपेट से लिया था और आपकी प्रिपेट 25 ml की थी, यहाँ पर आपने लिखा 25। अब आप यहाँ से N3 निकाल लोगे, तो N3 बराबर क्या आएगा, 25N अपॉन 91 इंटू 2.5 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दो, यह जीरो हो जाएगा, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, 5 बने 25, 5 एकम 5 और 4, 5 अट्ठे 40, 5 बने 10, तो 5N अपॉन 182, इसको आप चाहें तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी आ गई अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता, परंतु आपको जब प्रश्न आता है, उद्देश्य आता है, तो उद्देश्य में पूछा जाता है अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जो आपने निकाली है वो नॉर्मलता निकाली है, जबकि आपसे पूछा जाएगा सांद्रता, तो अब आप इसको सांद्रता में परिवर्तित करेंगे, इसको मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि सांद्रता बराबर सांद्रता वो भी किस में, ग्राम प्रति लीटर में, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होती है नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, तो नॉर्मलता तो आपकी निकल आई, अभी आपने निकाली ना नॉर्मलता अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की 5N अपॉन 182। आप ऑक्सैलिक अम्ल का यदि हम तुल्यांकी भार देखें तो वो होता है 63, तो इसमें आप 63 का गुणा कर दोगे, जब आप इसमें 63 का गुणा कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो आपकी अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता होगी ग्राम प्रति लीटर में, उसकी इकाई होगी ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह से आप द्विपद अनुमापन के द्वारा अज्ञात विलयन जो है उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपके कोर्स में द्विपद अनुमापन है, तो द्विपद अनुमापन में आपको क्या करना है, पहले आपको ज्ञात की सहायता से माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, फिर माध्यमिक विलयन से अज्ञात विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, फिर उस नॉर्मलता को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, उसमें आपको तुल्यांकी भार का गुणा करके और आपको ग्राम प्रति लीटर में चेंज करना है। तो इस तरह से
आप जो है द्विपद अनुमापन को भी पूरा कर सकते हैं। अब इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, नहीं तो फिर इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे कि इसका उपयोग क्यों होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें फिर हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा, अगर उसमें आपको कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। आज हमने एक पद जो बचा हुआ था उसको पूरा किया और द्विपद अनुमापन को पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। पहले हमने देखा कि द्विपद अनुमापन होता क्या है, इसमें कितने पद होते हैं, उसके बाद हमने देखा उद्देश्य, देखा उदाहरण देखते हुए, और उसके बाद हमने कौन कौन से उपकरण लगेंगे वो देखे, किस सिद्धांत पर ये आपका अनुमापन कार्य कर रहा है उस सिद्धांत को देखा, फिर हमने विधि देखी कि इसमें अनुमापन हम किस विधि से करेंगे, विधि के बाद फिर हमने प्रेक्षण तालिकाएं बनाई, हमने देखा कि प्रेक्षण को हम कैसे नोट करेंगे। एक पद अनुमापन में हम एक ही प्रेक्षण तालिका बनाते थे, अब यहाँ पर हमने दो प्रेक्षण तालिकाएं बनाई, पहले ज्ञात और माध्यमिक विलयन के बीच अनुमापन कराया तो उसकी प्रेक्षण तालिका बनाई, फिर अज्ञात और माध्यमिक विलयन के बीच हमने अनुमापन कराया उसकी प्रेक्षण तालिका बनाई, दोनों प्रेक्षण तालिकाएं बनाने के बाद उसके बाद हमने गणना करी। गणना में अब हमारा सूत्र जो है थोड़ा आगे बढ़ गया, पहले हमारा एक पद अनुमापन में सूत्र था n1v1 = n2v2, परंतु अब सूत्र हो गया n1v1 = n2v2 = n3v3। उसके बाद हमने n1v1 = n2v2 से पहले n2 का मान निकाला, फिर n2v2 = n3v3 से हमने n3 का मान निकाला। जब हमें अज्ञात औक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता प्राप्त हो गई तो हमने उसको सांद्रता में बदला, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बदला। उसके लिए हमने फॉर्मूले का यूज किया, हमने लिखा कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, जो नॉर्मलता हमारी आई उसको हमने लिख दिया, और तुल्यांकी भार चूंकि हम औक्सैलिक अम्ल की सांद्रता निकाल रहे थे इसीलिए यहाँ पर हमने तुल्यांकी भार किसका लिखा, औक्सैलिक अम्ल का, और औक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है 63, तो यहाँ पर हमने 63 से उसको गुणा कर दिया और जो अपना रिजल्ट आएगा उसमें हम इकाई लगाएंगे ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ पर हम सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरा द्विपद अनुमापन आज पढ़ा। इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो आप प्रश्न पूछिए, पूछिए अपनी समस्या का समाधान करिए, नहीं तो फिर आगे पूछिए, अगर पूछना है तो पूछिए, पूछिए कोई समस्या आ रही है, पूछिए प्रश्न पूछिए, शिक्षक बंधु प्रेरित करिए बच्चों को, यदि कोई समस्या है तो प्रश्न पूछे ताकि ये प्रायोगिक कार्य को भी सुचारू रूप से कर सके, क्योंकि अभी इनको लैब में जाकर प्रायोगिक कार्य करना है और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे मैं बीच में आपको प्रश्न बताती गई थी वो आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि आपसे वायवा या मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो मौखिक प्रश्न भी इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। पूछिए अगर किसी को पूछना है प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो फिर कल हम आगे इसके जो छोटे छोटे और पद हैं उनके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। एक पद अनुमापन और द्विपद अनुमापन आज आपका पूर्ण हो गया, इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, पूछिए किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछिए, कोई भी समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप नोट करते चले मेरे साथ। गणना में परेशानी आ रही है, प्रेक्षण कैसे लेना है उसमें परेशानी आ रही है, या अनुमापन कैसे करना है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप पूछते चलिए। विलयनों के बारे में, मानक विलयन कैसे बनाना है उसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछते चलिए, पूछिए, पूछिए किसी को अगर पूछना है तो, कोई प्रश्न पूछिए, पूछेंगे, कोई समस्या है, नहीं है समस्या तो फिर कल हम मिलेंगे आगे और आगे छोटे छोटे पदों को पढ़ेंगे। आप लोग इतना पढ़कर आइए और इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो कल आप समस्या अपने साथ लेकर आइए, पहले आपकी समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद आगे हम जो छोटी छोटी चीजें अनुमापन से संबंधित है उनको और हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। नमस्कार।